एक्टिव टिलरिंग जब प्लांट्स जो है ना उसके साथ मदर टिलर के साथ 3 से 5 टिलर्स ग्रो हो जाते हैं, तो उसमें के पे ना प्लांट्स को 2 इश्यूज हो रहे होते हैं, एक तो उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और दूसरा उस पर स्टेम बोरर का बड़ा एक्टिवली जो है ना अटैक होता है। तो उसकी सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं फील्ड में जाके, हमें आइडेंटिफिकेशन पता चल जाती है। जैसे मदर टिलर है, मदर टिलर को छोड़ के 3 से 4 टिलर साथ में उसके ग्रो हो रहे हों तो हमें पता चल जाता है ये एक्टिव टिलरिंग स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होता है कि तने की सुंडी तने के अंदर मौजूद होती है, हमें नज़र नहीं आ रही होती और वो अंदर से अटैक कर रही होती है, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। वो बाद की स्टेजेस में जाके ना डेड हार्ट बनना शुरू हो जाता है, तो हम इस मौके पे अप्लाई करवाते हैं। हमारे पास विटाको जीआर है ग्रैन्यूलर, ये हम अप्लाई कराते हैं, ये तने की सुंडी को जो है ना वो इसका कंट्रोल करता है। इसका रेजिड्यू तो नहीं आता? नहीं सर नहीं आता, नहीं सर इसका रेजिड्यू नहीं आता। हमारा जितना भी प्लान है उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उसका रेजिड्यू इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और साथ में ये थायरॉइड जेट है, ये सल्फर, इसको हम यूरिया के साथ रिकमेंड करते हैं कि आप यूरिया के साथ अप्लाई करें। एक ये करता है यूरिया की जो अवेलेबिलिटी है ये उसको इंश्योर करता है, स्लो काफ़ी मैक्सिमम टाइम के लिए यूरिया को जो है ना प्लांट को ये अवेलेबल कराता है, प्लस जो प्लांट के अपने रिक्वायरमेंट सल्फर की है उसको। नहीं जो यूरिया बाद में सेकंड डोज देते हैं उसमें भी दे सकते हैं सर? जो सेकंड डोज जो लास्ट डोज होती है यूरिया जो लास्ट डोज दे रहे होते हैं उसमें भी ये दे सकते हैं? जी अगर दे सकते हैं उसमें दे तो सकते हैं, क्योंकि सल्फर है ना, सल्फर स्लो रिलीज के लिए है ना, यूरिया स्लो स्लो निकले उसके लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स हमने पहले ऑलरेडी डाले हैं या जमीन में पड़े हैं वो उसको एक्टिवेट करते हैं। थैंक यू बेटा।